नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 दिसंबर गुरुवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी से 16 करोड़ 26 लाख की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को उदयपुर से गिरफ्तार किया है। जोधपुर के व्यापारी को इन्वेस्टमेंट से 50 करोड़ रुपए कमाने का लालच दिया गया था। DCP अमृता दुहन ने बताया कि उदयपुर से गिरफ्तार एक आरोपी ने अपना बैंक अकाउंट 25,000 रुपए किराए पर उपलब्ध करवा रखा था। जिसने किराए पर बैंक अकाउंट लिया उसे यह लालच दिया गया था कि खाते में जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसका 15% कमीशन मिलेगा। जोधपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों मानव गर्ग व दीपक सोनी को उदयपुर से पकड़ा है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। खाता किराए पर लेने वाले का कॉन्टेक्ट शातिर साइबर ठग से है, जो अभी 8 करोड़ की ऑनलाइन ठगी के आरोप में दिल्ली में सजा काट रहा है। DCP ने बताया कि खातों को फ्रीज कर कोर्ट के माध्यम से अब तक व्यापारी अरविंद कालानी के खाते में 25 लाख रिकवर हो चुके हैं। 1 करोड़ रुपए भी रिकवर प्रोसेस में है, जांच चल रही है। हरियाणा के बहादुरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक कंपनी के मालिक को बदमाश ने फोन कॉल कर 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। साथ ही उसने चेतावनी दी है कि उनकी इस बात को मजाक में मत लेना, 10 बजे तक पैसों का इंतजाम रखना। बहादुरगढ़ सिटी पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के नांगोलाई स्थित लक्ष्मी पार्क निवासी मनोज गुप्ता ने बहादुरगढ़ स्थित MIE पार्ट 1 में प्लॉट नंबर 443 में हर्ष फुटवेयर के नाम से सेकेंड फ्लोर पर कंपनी खोली हुई है। उसी प्लॉट में ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर उनके पिता नानपाल गुप्ता की भी कंपनी है। दोनों कंपनियों का काम वे तीनों भाई व उनके पिता नानपाल गुप्ता मिलकर संभालते हैं। 6 दिसंबर की रात को उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। बदमाश ने मनोज गुप्ता से कहा कि तुम 25 लाख रुपए तैयार रखो, मैं तुझे सुबह 10 बजे फोन करूंगा और इस बात को मजाक में मत लेना। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 साल से काबिज भाजपा का पत्ता साफ हो गया है। आम आदमी पार्टी ने यहां बहुमत से जीत दर्ज की है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 250 सीटों वाले MCB में आपको 134 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से 8 ज्यादा हैं। वहीं भाजपा को 104, कांग्रेस को 9 और 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। MCD में आपकी जीत पर CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बधाई दी। पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, दिल्ली की जनता ने अपने बेटे और भाई को दिल्ली की सफाई और भ्रष्टाचार खत्म करने की जिम्मेदारी दी है। हमें केंद्र सरकार का भी सहयोग चाहिए, प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद चाहिए। एम्सटर्डम चुनाव में इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनाव की तुलना में बेहद खराब रहा। पार्टी ने इस बार 9 प्रत्याशी ही जीत दर्ज कर पाए, जबकि 188 कैंडिडेट्स अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। पिछले चुनाव में कांग्रेस 30 वार्डों में जीती थी। इसी तरह भाजपा के 10 और आम आदमी पार्टी के 3 उम्मीदवार इस बार अपनी जमानत नहीं बचा पाए। धौलपुर जिले के बाड़ी थाना इलाके में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि नौकरी देने के बहाने जालबुन लड़की से रेप किया जाता रहा। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर नामजद मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। आरोपी फरार है। पीड़ित ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया है कि 4 माह पहले आरोपी युवक ने काम दिलवाने के बहाने अपने घर पर बुलाया, जहां नशीली ड्रिंक पिलाकर उसका रेप किया गया और गंदे इरादों के तहत अश्लील फोटो खींचा गया। पुलिस ने बताया कि फरार आरोपी की तलाश कर रहे हैं। आरोपी महादेव अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर 1-2 दिन छोड़कर पीड़िता को अपने घर बुलाकर हवस का शिकार बनाने लगा। कोतवाली पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पाली जिले के जतारण तहसील कार्यालय का रीडर हस्तीमल राव को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते अजमेर की ACB टीम ने पकड़ा है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नत होने पर स्टाफ को मिठाई बांटते समय रिश्वत के रुपए लेकर जेब में रखे ही थे कि ACB ने दबोच लिया। रीडर ने यह रुपए एक प्लॉट के रजिस्टर्ड दस्तावेज लौटाने की एवज में मांगी थी। ACB आरोपी को गिरफ्तार कर ले गई। उस समय तक तहसीलदार शिवजी राम कार्यालय में मौजूद नहीं थे। ACB ने आरोपी के बयावर और मौजूदा निवास सोजत के मोती नगर कैलवाद गांव निवासी मकान में भी सर्च कार्रवाई की, जहां से ACB को कई जमीनों के दस्तावेज मिले हैं। रीडर हस्तिमल राव 20 साल से रायपुर व जतारण तहसील कार्यालय में रीडर के रूप में कार्यरत है। कप्तान रोहित शर्मा की 28 गेंद पर 51 रनों की नबाद पारी के बावजूद भारत दूसरे वनडे में
बांग्लादेश से 5 रन से हार गया। 272 रन के टारगेट का पीछा करते हुए भारत ने 49.4 ओवर में 9 विकेट पर 260 रन बना लिए थे। जीत के लिए आखिरी 2 गेंद पर 2 छक्कों की जरूरत थी। रोहित ने 5वीं गेंद पर छक्का जमा दिया, लेकिन आखिरी गेंद पर वे ऐसा नहीं कर सके। इसके साथ ही बांग्लादेश ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है। यह भारत की बांग्लादेश में वनडे सीरीज में लगातार दूसरी सीरीज हार है। इससे पहले 2015 में बांग्लादेश ने भारत को वनडे सीरीज में 2-1 से हराया था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के 7 महीने बाद मशहूर पंजाबी सिंगर एवं फिल्म प्रोड्यूसर बब्बू मान से मानसा पुलिस पूछताछ कर रही है। बब्बू मान ने मानसा के CIA स्टाफ ऑफिस पहुंचकर SIT के सामने पेश होकर अपने बयान दर्ज करवाए हैं। SIT टीम ने बब्बू मान और सिद्धू मूसेवाला की आपसी तकरार के संबंध में पूछताछ की है। पंजाब के जिन बड़े सिंगरों से पूछताछ की जानी है, उनमें बब्बू मान का नाम सबसे ऊपर है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से कुछ ही समय पहले दोनों गायकों के बीच विवाद खड़ा हुआ था। सिद्धू मूसेवाला ने बब्बू मान का नाम लिए बिना लाइव होकर अपनी बात भी रखी थी। इसी दौरान इसमें एक गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा ग्रुप के साथी यादी राणा की भी एंट्री हुई थी। सिंगर बब्बू मान के अलावा पंजाब पुलिस सिंगर मनकीरत औलख से भी पूछताछ कर सकती है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जयपुर के 2 सरकारी अफसरों के घर सर्च किए तो टीम भी चौंक गई। सर्च में मिली करोड़ों की प्रॉपर्टी में जयपुर के पॉश इलाकों में खाली जमीनें और एक लग्जरी होटल भी शामिल है। दोनों के पास करीब 6.5 करोड़ और 16.31 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है। इनमें से एक सूचना एवं तकनीकी विभाग में सूचना सहायक अभी सस्पेंड प्रतिभा कमल के घर सर्च के दौरान 6.5 करोड़ की संपत्ति मिली है। वहीं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 70,000 सैलरी पाने वाले सहायक लेखाधिकारी दीपक गुप्ता के पास 16.31 करोड़ की संपत्तियां मिली हैं। प्रतिभा कमल के जयपुर में अलग अलग बैंक में 11 खाते हैं। वहीं दीपक गुप्ता के भी 4 बैंक खाते अभी तक सामने आए हैं। हनुमानगढ़ के पांडुसर गांव में एक भाई ने अपने भाई की पीट पीट कर हत्या कर दी। खुइया थाना पर भारी ओम प्रकाश सुथार ने बताया कि ओम प्रकाश जाट ने रिपोर्ट दी कि उसके घर के पास उसके चाचा के लड़के सुरेश और शोपत का मकान है। सुरेश और शोपत दोनों अविवाहित हैं और दोनों एक साथ रहते हैं। पास वाले मकान में कालू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। रात को सुरेश शराब पीकर घर आया और अपने भाई कालूराम को गालियां देने लगा। कालूराम ने पहले तो समझाइश का प्रयास किया, फिर किंकर की लकड़ी से सिर पर चोट मार दी, जिससे सुरेश कुमार घर के आंगन में कच्ची रेतीली जमीन पर गिर गया। जिसके बाद आरोपी कालूराम ने सुरेश का मुंह मिट्टी में दबा दिया। मिट्टी में चेहरा दबने से सुरेश की मौत हो गई। ओम प्रकाश की रिपोर्ट के आधार पर मृतक के भाई कालूराम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।